जल रहे हैं देवभूमि के जंगल, सुलग रहे हैं पहाड़, सुलगते पहाड़, धधकते जंगल और दम घोटू जहरीली हवाओं का सांसों पर सितम। नैनीताल की हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंची जंगल की आग। जंगल की आग बुझाने अब देवदूत बनकर आई वायुसेना। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। नैनीताल में भवाली रोड पर पाइंस के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आ गया। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। इस साल वनाग्नि में अभी तक लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वही वन्य जीवों की जान को भी खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि अब जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जंगलों में पानी बरसाया जा रहा है, ताकि जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके। शनिवार सुबह वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरा और नैनीताल जिले के पाइंस क्षेत्र में आग बुझाई। बता दें कि नैनीताल शहर से लगे पाइंस, भूमियाधार, ज्योली कोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर आदि के जंगल बीते कई दिनों से धधक रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वन विभाग, फायर ब्रिगेड और प्रशासन वनाग्नि पर काबू नहीं पा रहे हैं। वहीं जंगलों की आग अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और वायुसेना से मदद लेने का फैसला लिया। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं, और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए, आज सेना के लोगों से मदद मांगी है, आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। जंगल में लगातार फैल रही आग से सरकार तो चिंतित है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता है अगले महीने से शुरू होने वाले टूरिस्ट सीजन की। अगर ये आग और फैली तो उत्तराखंड के टूरिज्म को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नैनीताल में कई जगहों पे आग लगी है, पाइंस के पास, एरीज के पास और हमारे लड़ियाकंठा में जो एयरफोर्स स्टेशन भवाली है उसके बहुत ही निकट लगी थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर अभी आई है, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि जो एयरफोर्स का स्टेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए, उनके चारों तरफ जो आग पहुंच रही थी उन स्टेशन तक उसको बुझाया जाए। अब क्या स्थिति है? अभी जो स्थिति अभी तक हमारे सामने आई कि स्थिति अब नियंत्रण में है, वो अभी भी लगातार प्रयास जारी है। वन विभाग ने जंगल में वनाग्नि को बुझाने के लिए अलग अलग टीमें गठित की हैं, वहीं आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रवार को 3 लोगों को जंगल में आग लगाने पर मौके से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में जंगल में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। आग इतनी भयानक हो गई है कि नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक उसकी लपटें पहुंच गई हैं। वहीं हाईकोर्ट कॉलोनी के निवासियों पर खतरा मंडराने लगा है, जबकि क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ है। ये जंगल में आग लग गई है, अभी ITI का एक मकान जल गया है, अब एक रिहायशी मकान यहाँ भी है जो ऑन रोड है, उसमें भी आग लगने का खतरा है। और हमारी कैंप साइड में भी फायर आ गई थी, वो तो हमने किसी तरह कंट्रोल करी है, पर फायर आगे बढ़ गई है बहुत। आज आग की कम से कम 7-8 घटनाएं हो गई हैं। फायर टेंडर जो है गेठिया और जूली कोट की तरफ गए हैं, एक फायर टेंडर हमारा पाइंस में काम कर रहा है। मैं भी अपने और कर्मचारियों के साथ बीटिंग मेथड से बुझा रहे हैं। ट्रैफिक को हमने रोक रखा है क्योंकि हवा बहुत तेज है, बहुत गहरा धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक घर में लगी है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं हम सब। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग किस कदर कहर बरसा रही है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में जंगल की आग की 31 घटनाएं सामने आई, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र में जंगल में आग लगने की 26 घटनाएं हुई।
जबकि वन्य जीव क्षेत्र में 5 घटनाएं। यहां करीब 33.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। पिछले साल 1 नवंबर से अब तक राज्य में जंगल में आग लगने की कुल 575 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे करीब 690 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस आग में लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। उत्तराखंड में हर साल बड़े पैमाने पर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं। इस बार भी सर्दियों के सीजन में कम बारिश और बर्फबारी होने के कारण जंगलों में पहले पर्याप्त नमी की कमी महसूस की जा रही थी और अब गर्मियों के सीजन में बढ़ता तापमान तो आग में घी का काम कर रहा है, जिससे चारों ओर जंगल धू धू करके जल रहे हैं और वन कर्मी भी लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं के आगे बेबस हैं। सभी की नजरें आसमान पर टिकी हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक इंद्रदेव उत्तराखंड पर मेहरबान होने वाले हैं। बारिश की संभावना से प्रशासन को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।